दिल्ली में नरेला की एक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। यह आग प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी। घटना की जानकारी मिलते ही 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सकता है। राहत की बात यह रही कि अभी तक इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली के मुंडका इलाके में जो इमारत में आग लगी थी, वो आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि नरेला इलाके से एक और भीषण आग की घटना सामने आ गई। बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ और इससे लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये प्लास्टिक फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लग गई। वक्त रहते दमकल की गाड़ियों ने यहाँ पहुंचकर आग पर काबू पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन जिस वक्त आग लगी वहां से तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। और यही वजह है कि जो कैजुअलिटीज बड़े पैमाने पर देखने को मिली थी मुंडका इलाके में, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिली। दो दिन पहले मुंडका में आग लगी और फिर देर रात ये नरेला से आग लगने की घटना जो है वो सामने आई है। मैं सर दिल्ली के नरेला के इंडस्ट्रियल एरिया पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे की तस्वीर को, यहाँ एच ब्लॉक 1373 एक फैक्ट्री थी जो कि त्रिपाल और प्लास्टिक के दाना बनाती थी, उस पर अचानक रात करीब 9:15 बजे आग लग गई। और आप देखिए यहाँ पर आग की लपटें कितनी तेज हैं, आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। जब सूचना मिली दमकल विभाग पुलिस को तो मौके पर दमकल विभाग पहुंचा, उसकी करीब 20 गाड़ियां दमकल विभाग की मौके पर पहुंची और आग को काबू में पाने के लिए। और देखिए अभी भी आग को काबू में पाने की कोशिश की जा रही है, दमकल गाड़ियां के लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। और देखिए यहां दूसरी तस्वीर में भी देखिए अंदर की तरफ आग की लपटें काफ़ी कितनी तेज हैं यहाँ पर कि इतनी ज़्यादा आग हो रही है। और हालांकि अभी पता नहीं लग पाया है कि आग किस वजह से लगी है, लेकिन हाँ हालांकि देखिए मैं और तस्वीरों पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तस्वीरों से कि यहाँ पर आग कितनी तेज़ भयानक लग रखी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, यहाँ पूरी फैक्ट्री थी। और यहाँ पर हालांकि नुकसान किसी व्यक्ति का नहीं, अंदर यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। जो भी लेबर थी वो सुबह 10 बजे के शाम को 5 बजे चली जाती है, और उसके बाद ये हालांकि ये जो टाइमिंग था वो करीब 9:15 बजे यह आग लगी है। और यहाँ पर जो गार्ड थे, बताया जा रहा है कि यहाँ पर गार्ड जो बैठे हुए थे वो खाना खाने चले गए थे, उसके बाद ये घटना हुई है। और इस विषय पर बात करने के लिए स्थानीय लोग भी हैं इनके बराबर में, जो फैक्ट्री इन्हीं की है। मैं आपका सब पड़ोस में, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। पड़ोस में ही आपकी फैक्ट्री है? जी, अंडर इंस्टॉलेशन है ये दवाई की फैक्ट्री। अच्छा, ये बताइए ये घटना कितने बजे क्या हुआ? 9 बजे करीब हुई है। 9:45 बजे आप उस वक्त कहाँ थे? मैं तो घर पे था, पर मेरे पास करीब 9 बजे करीब फोन गया था मेरे लड़कों का। तो फिर जैसे ही मैं आया तो यहाँ देखा तो ये फायर बहुत हो चुकी थी, गेट बंद था, इनका ताला लगा हुआ था। 5-10 मिनट बाद लड़के आए थे, वो कह रहे थे जी हम तो खाना खाने गए हैं, अगर वो यहाँ ताला नहीं लगा होता तो हम ही बुझा देते, क्योंकि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर बहुत थे, 10-12 थे। लेकिन हमने पूरी कोशिश की ऊपर से, पर ऊपर से इतना असर आया नहीं।